वेलकम टू वॉइस एंड टेस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट ताबिश रजा और आप देख रहे हैं वॉइस एंड टेस्ट। तो यार, मैं आज आया हूँ तुर्किश मॉस्क बिश्केक के बिल्कुल करीब। तो यार, आज मैं चाहता हूँ कि आपको तुर्किश मॉस्क के करीब की स्ट्रीट फूड आप लोगों को शो कराऊँ, विजिट करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ की स्ट्रीट फूड कैसी है। तो चलें, लेट्स स्टार्ट। तो यार, ये देखें, इधर कबाब बन रहे हैं, तुर्किश कबाब। तो ये अंकल बना रहे हैं कबाब, बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट है यार इनका। अस्सलाम वालेकुम भाई के। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहु। Bizdin eng yaxshi halol shashliklar Qirg'iston bo'yicha cho'ng sentral mechitning yonida pishiramiz. Shashliklarimiz halol, mana ko'rib turasizlar, eng toza et. Kelib o'z yeb taom tatib ko'ringizlar. Hurmatlı benim klientlerim, kardarlarım. तो यार, ये हमारा कबाब आ गया। ये देखें, ये कबाब है और ये मेरे ख्याल तक सॉस है कोई विद सैलेड। पुलाव तो यार ये आ गया हम लोगों का खाना। ये है लिपोश्कीर, किर्गिस्तान किस तरह समझे, ब्रेड है, नेशनल ब्रेड। उसके अलावा ये है चाय, वो यार मोमोस मेरे ख्याल तक डम्पलिंग इस तरह की कोई चीज़ है, बीफ की है। और ये कबाब हो गए और ये जी उज़्बेक पुलाव हो गया। आ चुका है इस टाइम, आ चुका है उज़्बेक पुलाव। उज़्बेक पुलाव जो है ये बिल्कुल उसी टेस्ट का होता है जिस तरह से काबुली पुलाव होता है। तो चलें टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से है। रियली यार, ना स्पाइसी ज़्यादा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ऊपर से फिर कट करके छोटे छोटे पीसेस बड़े गोश्त के, बरानी ना इधर कहा जाता है, ये उसका वो गोश्त है, वो डाला हुआ है। और आपको वैसे पता तो है कि किर्गिस्तान की मशहूर है, यहाँ पर चाय पी जाती है हर खाने के साथ। तो ये है किर्गिज टी। और हम लोगों ने यार मंगाए थे ये कबाब, मैं इसे भी टेस्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये कैसे हैं। ये देखें, कबाब भी बिल्कुल फ्रेश है। और यार इसके साथ इन लोगों ने ये सॉस जो बनाया हुआ है ना, पहले ऐसे ट्राई करता हूँ। यार ऐसे ही महसूस होता है जिस तरह बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। वो तो स्पाइसी होते हैं, ये स्पाइसी नहीं है। सॉस के साथ ट्राई करते हैं। तभी शायद मोमोज भी ट्राई कीजिए। हाँ जी, ये सॉस के साथ। यार सॉस बहुत स्पाइसी है, मज़े क्या। और ये मोमोज ट्राई करते हैं यार, ये तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। पहले तो मुझे देख के भी अच्छे नहीं लगते थे ये। अच्छा, इसके अंदर उमर भाई फिलिंग है यार, ये देखें बड़े गोश्त की। ये भी अच्छा है मेरे हिसाब से, अगर रेटिंग देखी जाए ना उमर भाई, ये आई थिंक 10/10 है। ये भी 10/10 एंड दिस वन आई थिंक 8.5/10 मेरे मुताबिक। और उस भी किर्गिज टी, तो ये तो फिर कमाल ही हो गया। ये तो लव है अपना बिश्केक में, अपना लव है। और ये आ गया जी समोसा आपके सामने, देखें ये दिखाएं उमर भाई, ये समोसा मुझे दिखा यार। ये फिलिंग करके तो इसे ये लोग तंदूर के अंदर ही बनाते हैं। ये देखें मैं आपके साथ, ये देखें जी, ये है समोसा। तो इसे ट्राई करते हैं, अंदर फिलिंग है गोश्त की, ये देखें। अगर आप लोग स्पाइसी पसंद करते हैं तो ये देखें, ये सॉस टाइप एक स्पाइसी बनाने के लिए ये थोड़ी सी ये लोग इस तरह से लेते हैं। और इसे इधर से ये फिलिंग वाला। अच्छा, ये किस चीज़ से है? ये यार मेरे ख्याल तक रेड चिली है, उसके अलावा लहसुन, इनके मिलाकर एक इस तरह से कोई पेस्ट बनाया गया। ये तो बहुत स्पाइसी था। एंड लास्ट में, आपको पता है मैं टी पसंद करता हूँ। और बाहर ये बना उसी अभी बन गया।
बस तकरीबन खा तो लिया, क्या बचा? दस विदानिया माला दिस। तो यार ये है बैक साइड पे, ये सेंट्र तुर्किश मॉस्क, तो ये बिल्कुल इसी के साथ ही है। ये बड़ी ज़बरदस्त शॉप है और बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट है यार। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो। तो यार ये था हम लोगों का आज का व्लॉग। यार हम लोगों को तो बहुत मज़ा है, मेरे साथ उमर है। उमर बताओ आपको कैसे लगा? बहुत मज़ा आया यार, इतना खाना और ये मैंने पहली दफ़ा खाया दो। मतलब हम लोगों ने किर्गिज फूड, तुर्किश फूड अब ट्राई करना स्टार्ट किया है, लेकिन यार यकीन करें बहुत मज़ा आया। तो आप लोग भी ट्राई करें और हम लोग जिस हद तक कोशिश करेंगे, गाइड कर सकेंगे आप लोगों को, ज़रूर करेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किर्गिज़ फूड एक्सप्लोर करें और आप लोगों को बताएं, रिव्यू दें कि ये किस तरह की है। तो आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं यार नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। राव साहब आई लव यू। अल्लाह हाफिज़।